रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए सभी को अयोध्या आने का निमंत्रण देने के लिए काशीपुर में भव्य जन आह्वान यात्रा निकाली गई। लोगों ने कड़कड़ाती ठंड में पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में भाग लिया। अयोध्या में भगवान रामलला विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में काशीपुर में रामलीला मैदान से भव्य जन आह्वान यात्रा निकाली गई। भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों ने कड़कड़ाती ठंड के दौरान यात्रा में भाग लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक वाली के साथ हजारों भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। जिस तरीके से जनसभा जो है सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, 22 जनवरी का अनुपूर्ण दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्प लिया था वो पूरा होने जा रहा है और हर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति इस समय राम में हुआ हुआ है और काशीपुर की सड़कों पर भी आज जन आह्वान यात्रा के रूप में जो आह्वान किया गया था उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। श्री राम जी के आने की खुशी में रामलला जो विराजमान हो रहे हैं काशीपुर में, ये सब लोग राम भक्त आज आए हुए हैं भारी संख्या में, तो एक बहुत ही एक दिल से खुशी है कि 500 वर्ष के बाद हमारे श्री राम जी, प्रभु राम जी जिनके लिए पलके बिछाए बैठे थे सभी लोग, आज ये देखिए क्या माहौल है, क्या उत्सव का माहौल है काशीपुर के अंदर। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और हम लोग सब बहुत खुश है, जय श्री राम के नारे मार रहे हैं। एक अद्भुत खुशी है, 22 तारीख को, 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक काम, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और ये सब बहुत खुशी की बात है। और जय श्री राम के नारों के साथ आगोश तरह तरह के सभी लोग जो है वेशभूषाओं में अलग अलग परिधान में जगह जगह जय श्री राम के नारे मार रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक रैली है, पूरे शहर में जाएगी और एक अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।